When you see me, you better run. Start playing duck, duck, goose with my gun. When you see me, you better run. सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज चला रहे हम आप सबकी फेवरेट ज़ारा। और गाइस, आज हमारा प्लान है पटना के बाहर जाने का, बट कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब प्लान आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा थोड़ी देर में। और अभी मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ यार, कि मेरी जो लास्ट फुटेज थी, मैंने जो कॉन्टिनेंटल GT की शूट की थी, बहुत लोग ने भाई इंस्टाग्राम पर पोस्ट देख के कमेंट किया था भाई इसकी वीडियो कब आ रही है। तो भाई सीन हुआ कुछ ऐसा कि GoPro ने दे दिया धोखा। यार कोई और धोखा दे तो समझ भी सकते, बट GoPro भी धोखा दे रहा है यार लाइफ में, क्या ही बोलूँ। तो GoPro ने दे दिया धोखा, और आवाज़ जो है वो, मतलब आप सबको पता है कि यार GoPro जब धोखा देते तो आवाज़ का क्या हाल होता है। इतना ज़्यादा विंड नॉइज़ है उसमें, मेरी खुद की आवाज़ मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो मैं उसको कैसे मतलब क्लियर आउट करूँ। सो आई डिसाइडेड कि चलो उस फुटेज को छोड़ते, कभी और उस कंटेंट को शूट कर लेंगे। एंड इफ़ यू डोंट बिलीव, तो मैं आपको ये छोटा सा क्लिप दे देता हूँ, पहले आप ये देख लो। तो भाई कैसा मज़ा आ गया ना सुन के, ऐसा वाला विंड नॉइज़। तो भाई ये प्रॉब्लम हो रखा है, पता नहीं क्यों यार GoPro में बहुत ज़्यादा ही ग्लिच आ रहा है, और इसके वजह से यार बहुत सारे फुटेजेस मेरे ख़राब हो रहे हैं यार। और डेली व्लॉग्स में यार करना ये बहुत मुश्किल हो जा रहा है। पता चला जब मैं एडिट करने बैठता हूँ, अभी मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं 8:30 बैठा एडिट करने के लिए, ये आज की बात कर रहा हूँ 30 जून। अभी आपको मैं फ़ोन में आपको डेट दिखा देता हूँ, टाइम दिखा देता हूँ, 9:21 30 जून, हैव अ लुक। तो आज है, और ये वीडियो मैं आज ही एडिट करूँगा और अभी ही अपलोड करूँगा विद इन एन आवर। तो सोच लो यार कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब ऐसा अच्छा खासा कंटेंट शूट किया हुआ वीडियो अगर मिस हो जाता है तो। बट कोई नहीं, अपन मेहनत ही है, मेहनत करेंगे और दूसरी वीडियो शूट कर लेंगे। सो या गाइस, आज 30 है, आज प्लान है हमारा जाने का बाहर। तो जा रहे हैं दिल्ली, बट दिल्ली से कहाँ जाएंगे ये अभी तक श्योर नहीं है। मैं तो श्योर हूँ, बट आप लोग के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा ये चीज़, और थोड़ा सा भाई ज़रूरी है आप लोग गेस करो, कीप गेसिंग। और दिल्ली से बहुत सारे प्लेसेस है जाने लायक, बट द पॉइंट इज़ कि मैं पटना से जा रहा हूँ नॉट ऑन बाइक, क्योंकि बाइक का भी कोई प्लान है नहीं यार। बाइक के लिए सीन है ये कि अपने साथ चाहिए ग्रुप, क्योंकि सोलो राइड तो पॉसिबल है नहीं यार। और वेदर आप देख सकते हो यार, ऐसे वेदर में और अभी जो इंसिडेंट्स वगैरह हुए हैं, तो भाई थोड़ा मेरा भी मन नहीं है सोलो राइड करने का। तो सीन ऐसा है कि मैं जाने वाला हूँ ऑन कार, और वहाँ से क्या प्लान होगा वो आप लोग को आगे आगे वीडियोस में पता चल जाएंगी, नॉट इन दिस वीडियो, अगले वीडियो, अपकमिंग वीडियोस में। तो वहाँ से फिर प्लान तो फॉर श्योर है कहीं ना कहीं जाना है पहाड़ों में ही। तो अब कहाँ जाना है यार, आप लोग ने गेस कर लिया होगा। बट ये भी सीन सुन लो कि मुझे वापस आना पटना 5 को, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, सिर्फ 3 या 4 डेज़ है मैक्सिमम, क्योंकि भाई 5 का तो कोई सीन है नहीं, 5 का वापस का फ़्लाइट है। तो 5 को अपन दिल्ली में रहेंगे, तो 4 तक में जहाँ भी सीन हो पाएगा, जहाँ भी जाने का जो भी प्लान कर रखा है हमने, तो वहाँ तक का प्लान होगा। एंड ज़ारा तो भाई क्या बोलूँ, जब से मैंने स्प्रॉकेट वगैरह चेंज कराया है और ब्रेक वगैरह पैड्स वगैरह चेंज कराए, तब से मैं इसे ढंग से स्ट्रीट रेस में यूज़ किया ही नहीं हूँ, चलाया ही नहीं हूँ। आई नो गाइज, यू आर मिसिंग हिम अ लॉट, एंड आप लोग ने फिर से बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं रिगार्डिंग वैम। तो भाई देखो, वहाँ से आने के बाद मैं जाकर क्लियरली
शोरूम में आप लोग के सामने ऑन कैमरा बात करूंगा क्या उन लोग का कहना है नहीं कहना है। क्योंकि देखो अभी तक ये लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं भाई कि मेरे तरफ से सारा प्रोसेस हो चुका है, जो भी प्रोसेस होगा इंश्योरेंस कंपनी वालों के तरफ से, और इंश्योरेंस कंपनी वालों ने अभी तक मुझे एक कन्फर्मेशन कॉल तक भी नहीं किया, मैसेज तो दूर की बात। तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लग रहा है यार, ये लोग बहुत ज़्यादा लटका रहे हैं और लटकाते लटकाते लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। 27 अप्रैल को इंसिडेंट हुआ था, 27 अप्रैल के बाद मई एंड जून 2 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। और जब फर्स्ट टाइम जब ये सब इंसिडेंट होने के बाद गए थे तो 1 से 1.5 महीना उन्होंने बोला था, तो चलो उसमें 1 महीना तो लॉकडाउन में कट गया, उसके लिए कोई इशू नहीं है यार। लॉकडाउन है तो भाई वी ऑल नो कि सबके लिए है, तो वो उस टाइम काम हो नहीं सकता। बट अभी का जो टाइम बीत रहा है मेरा, जो वेस्ट हो रहा है, एंड गाइज आई एम श्योरली अबाउट इट कि ये लोग और लटकाएंगे अगर इन पे सीरियसली एक्शन नहीं लिया जाए, तो इन लोग पे ही एक्शन लेना पड़ेगा। भाई मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब बाइक मैंने आप लोगों को हैंड ओवर किया टू द यामाहा सर्विस सेंटर, मतलब ये सर्विस सेंटर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि मेरे इंश्योरेंस कंपनी वालों की, तो भाई ये उन्हें ही समझना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर मेरी बाइक की इंश्योरेंस फेल हो गई होती, ठीक है, तो बाइक तो मैंने सबमिट किया था सर्विस सेंटर में, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता, आप सब खुद ही बता सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बाइक्स हैं जिसकी इंश्योरेंस फेल रहती है, वो लोग भी ऐसा नहीं सर्विस सेंटर में सर्विस नहीं करवाते, तो उनका इंसिडेंट अगर ऐसा हुआ होगा तो वो लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये भी एक बहुत ही बड़ी क्वेश्चन है। फॉर अ काइंड देखो भाई बिजी शेड्यूल है, लॉकडाउन में बहुत लोगों को याद नहीं रहता, मुझे खुद नहीं याद रहता मुझे कब इंश्योरेंस करवाना है, कब इसका पॉल्यूशन करवाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा भूल जाता हूँ, इवन सर्विस तक मैं भूल जाता हूँ, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो क्योंकि देखो 2-3 बाइक्स है, सबका टाइम टू टाइम याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसा ही बहुत लोगों के साथ हो सकता है। तो इस सब चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सर्विस सेंटर वालों को ही लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ देखो यार ये तो मैं सीधा यामाहा को मेल कर चुका हूँ, एंड अब मैं दोबारा मेल करने वाला हूँ रिगार्डिंग दिस, क्योंकि देखो यार ये 2 महीने बीत चुके हैं और बस यहाँ पे सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं यार। इतने टाइम में तो भाई इंश्योरेंस कंपनी वालों पे अगर मैं खुद से पर्सनली जाकर क्लेम करता तो वो मुझे अभी तक इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर दे देते। तो भाई ये रहा वैम का अपडेट, क्योंकि भाई मैं हर बार इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करना चाहता, मेरा सीरियसली मूड ख़राब हो जाता है। मैं बहुत अच्छे मूड से भी निकला था व्लॉग करने को, बट उस चीज़ को याद करके सच में मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब, मतलब सैड हो जाता हूँ यार, आप सबको पता है यार क्यों सैड हो जाता हूँ। तो प्लान ये है कि भाई आज रात को यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, और ऑफकोर्स सुबह सुबह तक पहुँच जाएंगे, और उसके बाद जो भी सीन होगा वहाँ का जैसा भी होगा वो सब आपको अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा। पॉइंट ये है गाइस कि देखो वहाँ से अब कैसे जाना है, कार से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाइक भी है फ्रेंड्स के पास, तो नो इशू बाइक से भी जा सकते हैं कार से भी जा सकते हैं। बट सबसे बड़ा पॉइंट ये है भाई बाइक से जाओ या कार से, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, सो डैट कि जो मैंने अपना जो ड्रीम राइड प्लान कर रखा है उसे मैं अच्छे तरीके से करूँ, तो लगे कि हाँ भाई मैंने मतलब जो किया है वो आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो। क्योंकि होता है क्या भाई, अपन मेहनत करते हैं काफ़ी ज़्यादा बट उसका वैसा रिस्पांस नहीं आता है तो भाई बहुत दिल से बुरा लगता है। मैंने बहुत लोगों को देखा यार जो कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट दे आर मेकिंग अ स्क्रिप्टेड वीडियोस, और उन लोग के भाई आप देख सकते हो। देखो आई नो लोग को बहुत पसंद है यार मसाला मिर्च वाला चीज़ देखना, मतलब कुछ ऐसा देखना जिसमें थोड़ा कॉमेडी हो, बकवास हो यार, बट द रियल कंटेंट मेकर्स आर फेसिंग दिस। क्योंकि पता है जब होता है क्या, जब सच में ऐसा फेस करते हम लोग तो जो रियल कंटेंट में जितना मेहनत लगता है बनाने में, वो बनाने के बिल्कुल मन से मतलब वो चीज़ उठ जाता है। तो भाई इस वजह से आप लोग को जो रियल कंटेंट होता है वो धीरे धीरे मिलना बंद हो जाता है। बहुत लोग ने बोला कि भाई आपका कंटेंट धीरे धीरे चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है? सो देखो यार पॉइंट ये है कि धीरे धीरे हर चीज़ के साथ जैसे ही अपना फैमिली बड़ा होते जा रहा है तो वैसे इस हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होते जा रही है, तो हर चीज़ को देख के धीरे धीरे हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है। एंड गाइस अगर आप लोग के पास कोई सॉल्यूशन है कि GoPro को रिप्लेस करके मैं कुछ और दूसरा कैम लूँ, तो गाइस प्लीज़ मेरे को कमेंट डाउन बिलो करो। और यार सच में मतलब GoPro से मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ यार, इसका जो अभी भी मैंने एक चीज़ अभी चेक किया, मैंने वीडियो यहाँ पे क्यों क्रॉप किया वो भी बता रहा हूँ, मैंने बस चेक किया कि भाई
कंटेंट जो मैंने अभी शूट किया है, जो भी उसकी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं, इसका भी एक फाइल मिसिंग हो चुका है। सो गाइज आई एम सीरियसली फ्रस्ट्रेटेड यार, मतलब इतना मेहनत करो, इतना आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट। GoPro वालों यार प्लीज़ ट्राई टू डू समथिंग यार, इसका कोई अपडेट वगैरह निकालो या कुछ भी करो, इतना ज़्यादा इश्यूज आ रहा है यार। मैं 9 इस रीज़न से नहीं ले रहा हूँ, 9 में बहुत ज़्यादा बग्स है पहले से ही सुन चुका हूँ, 8 में थोड़ा कम था बट सडनली पता नहीं क्यों फिर इसमें बग्स आने स्टार्ट हो गया है, एंड इसके वजह से यार बहुत सारे फाइल्स करप्ट कर रहे हैं, फाइल मिसिंग, ऑडियो मिसिंग। तो बस गाइज इतना ही रखते हैं आज की वीडियो को, इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल पे, एंड फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में गाइज, अंटिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ़।